खबर राजधानी के चौमू से है, जहां विमलपुरा गांव के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में निर्माणाधीन कमरे की दीवार अचानक से ढह गई। तेज धमाके की आवाज सुनकर स्कूल स्टाफ में अफरा तफरी का माहौल हो गया और आसपास के लोग एकत्रित हो गए। गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया और स्कूल के बच्चे उस समय दूसरे कक्षों में बैठकर पढ़ रहे थे कि वहीं दीवार गिरने के बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया, जिसके चलते सरपंच रामगोपाल सहित ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़कर धरना शुरू कर दिया। मामले की सूचना पर कालाडेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की समझाइश कर मामला शांत कराया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य फिर से करने और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि आक्रोशित ग्रामीणों ने फिर से कार्य कराने की मांग की है, ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग रखी है ग्रामीणों ने। गनीमत यह रही कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। चौमू के विमलपुरा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर स्कूल की दीवार भर भराकर गिर गई और इस घटना के बाद सभी ग्रामीणों में रोष व्याप्त है और लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और फिर से निर्माण करवाने की भी मांग रखी है ग्रामीणों ने और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। भरभराकर एक स्कूल की दीवार गिर गई, गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता मनोज सैनी फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी मनोज बताएं। जी लमीना, बताना चाहूंगा ये चौमू उपखंड के ग्राम पंचायत विमलपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का पूरा मामला है, जहां पर दूसरे मंजिल पर निर्माण कार्य किया जा रहा था। अचानक दूसरे मंजिल की जो निर्माणाधीन दीवार थी अचानक गिर गई पूरी तरीके से, जिससे तेज धमाके की आवाज आई और जो बच्चे पढ़ रहे थे नीचे कक्षों में तो अफरा तफरी का माहौल हो गया। विद्यालय का जो स्टाफ था वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं आसपास से लोग भी काफी ग्रामीण एकत्रित हो गए सूचना पर। जी क्या मनोज क्या मांगे रख रहे हैं वहाँ के ग्रामीण जिनमें रोष व्याप्त है? वही मौके पर स्थानीय सरपंच रामगोपाल भी मौके पर पहुंचे। विद्यालय के जो अध्यापक है उनके साथ में वार्ता चल रही है और यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग है कि करीब यहाँ पे विद्यालय के जो निर्माण किया गया था उसके ठेकेदार के खिलाफ दोबारा से कार्रवाई की जाए और पूरा निर्माण दोबारा से करवाया जाए, जिसमें घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था, ये यहाँ पे आरोप है। और वहीं विद्यालय के जो छात्र थे वो विरोध के लिए मुख्य द्वार पर बैठ गए। वहीं सूचना पर कालाडेरा थाना प्रभारी भी मैं जाते मौके पर पहुंचे हैं। जी लवीना। जी मनोज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।